ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर पहुंचे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर फतेह हासिल करेंगे, लेकिन संघर्ष है। मगर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़िया काम करेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं वीरभद्र सिंह ने मंडी सीट पर आश्रय शर्मा के टिकट दिए जाने पर कहा कि अभी मंडी का दौरा करूंगा, तब कुछ कहूंगा। तो हमीरपुर सीट के लिए अभिषेक राणा को टिकट न मिलने पर कहा कि अभिषेक राणा भी हमारे साथ ही है। हमीरपुर पहुंचे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में दावा किया है कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंडी सीट ही नहीं अपितु बाकी तीनों सीटों पर भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी। हमीरपुर पहुंचे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर फतेह हासिल करेंगे, लेकिन संघर्ष है। मगर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़िया काम करेगी और जीत हासिल करेगी। कोशिश होगी हम चारों सीटों को हम फतेह पाए, लेकिन संघर्ष है। इतना आसान संघर्ष नहीं है जितना कोई कुछ लोग समझते हैं। संघर्ष है, मगर हर चुनाव क्षेत्र में हिमाचल में कांग्रेस फतेह पाएगी। वहीं वीरभद्र सिंह ने मंडी सीट पर आश्रय शर्मा के टिकट दिए जाने पर कहा कि अभी मंडी का दौरा करूंगा, तब ही कुछ कह पाऊंगा। तो हमीरपुर सीट के लिए अभिषेक राणा को टिकट न मिलने पर कहा कि अभिषेक राणा भी हमारे ही साथ है। जाके दे देखूंगा कि हालत क्या है। आप अभिषेक के लिए मांग रहे थे टिकट, अभी तो दूसरे को मिल गया, क्या कहेंगे हैं? अभिषेक के लिए मांग रहे थे पहले टिकट आप, किस लिए? अभिषेक राणा के लिए। अब क्या रहेगा? नहीं, नहीं, अब क्या किया जाएगा? वो भी हमारे साथ ही है। चलो चलो बस।